दिल्ली समेत पूरे देश में सनातन की अलख जगाने वाले एवं मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष करनैल सिंह बुधवार शाम को विश्वविख्यात पेंटर महेश वैष्णव द्वारा संपूर्ण रामायण पर आधारित अनूठी पेंटिंग के अवलोकन के लिए उनके घर गौतम नगर पधारे। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ हैं करनैल सिंह जी, मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। उन्होंने क्या देखा है यहाँ पर आज और कैसा अनुभव किया है आज? जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ महेश जी। हमारे 500 साल के बाद भगवान राम लल्ला का मंदिर बन गया। हम इस सदी के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। और एक आपने देखा होगा, इधर कैमरा देख लीजिए, महेश जी ने 7 महीने लगाकर ये पूरी रामायण को हाथ से रचा है। ये अपने आप में अद्भुत है। मैं आपको दिखा नहीं सकता कि मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इसको अद्भुत तरीके से देखा। और उनकी कलाकृति, मुझे लगता है कि इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिलना ही चाहिए। इसमें कोई वो ही नहीं है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा सिर्फ ऐसे लोगों को, दूसरी सरकारें ऐसे लोगों को अवार्ड देती थी कि जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया लेकिन उनकी राजनीतिक संबंध होते थे सिर्फ। लेकिन अब सनातन की सरकार, हर गरीब से गरीब को अवार्ड मिल रहा है, प्रतिभा व्यक्तियों का अवार्ड मिल रहा है। हमारे बीच में गुरुदास जी हैं, हमारे बीच में विशाल जी हैं, हमारे जिला के संयोजक हैं। जिस तरह की ये देख रहा हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से अभी वो ये देखिए, आप कैमरामैन को बताइए, देखिए गो के अपने उस मटेरियल से पंचगव्य से बनाई हुई ये मूर्तियाँ देखिए। ये हमारी इतनी आस्था इसके अंदर है कि गौ के गोबर से जो बनाई हैं चीज़ें, ये अपने आप में अद्भुत हैं, किसी ने कल्पना भी नहीं की। मैं धन्यवाद करता हूँ गोदास जी का कि इसको ज़मीन पे उतार के, इसको ज़मीन पे उतारा है। कल्पना तो बहुत लोग कर सकते हैं लेकिन उसको तपस्या के रूप में ज़मीन पे उतारना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात। उसी तरह महेश जी ने इसको, कल्पना तो बहुत लोग कर सकते हैं लेकिन 7 महीने तक उसको एक ब्रश से करना भी, मुझे महेश जी दिखा रहे थे कि गलहरी के बाल से बनाई हुई प्रतिमा है इनके पास। तो मैं इनके, मैं तो हमारे लिए छोटे लेकिन फिर भी जो आपने भगवान राम का किया, काम किया, उसके लिए मैं चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि भगवान राम के जो सेवक होते हैं वो सौम्य प्रभु हो जाते हैं। तो मैं महेश जी के अभिनंदन भी करता हूँ। आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद प्रभु का है। हम भी उसके, आप तो हमारे से भी बड़े सेवक हैं, है ना। जो प्रभु राम की बात करेगा तो राम लल्ला की बात करेगा, अब वही इस सनातन में ईश्वर के राज करेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो बदलाव देश में देखा और जो एक प्रारूप जो नजर आया वहाँ पर, वो आपने क्या देखा है यहाँ पर कि आपने पूरा एक परिदृश्य रामायण के परिदृश्य जो इसमें देखा है, और 22 जनवरी का जो बदलाव एक देश में आया है राम राज्य के हिसाब से, क्या देखते हैं आप? ये बदलाव तो आज से 70 साल पहले आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग जिनकी चमड़ी तो काली थी लेकिन मानसिकता से अभी वो उन लोगों के गुलाम थे, उन जैसे लोगों ने ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को आगे आने ही नहीं दिया। ये चीज तो 1947 से चालू हो जानी चाहिए, जब हमने दूसरे देश के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को उनका अलग से कर दिया। आपको पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, आज जो हमारे कश्मीर पे नजर रखे हैं, केरला पे नजर है। अगर ऐसी ऐसी विभूतियाँ जब बच्चों को दिखाएंगे तो अपने आप सनातन जागेगा। और आपको 2022 की बात करें, 22 जनवरी की बात करें, भारत में बदलाव नहीं आया है, विश्व में बदलाव आया है, इस ग्लोबल पे बदलाव आया है। और उसमें क्या चर्चा की बात है, आपका तो भगवान चंद्रमा पे लहरा रहा है, धरती की तो बात छोड़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ सभी नाथ सनातनियों से, सभी बहनों से, सब भाइयों से हाथ जोड़ के निमंत्रण दे रहा हूँ। 21 अप्रैल को इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हिंदू नववर्ष महोत्सव मनाएं।
आप सभी आमंत्रित हैं, आपका स्वागत के लिए खड़ा हूँ। जय श्री आचार्य गौदास। और दिल्ली में मंदिर प्रकोष्ठ जो सनातन की ध्वजा को लेकर के श्रीमान करनैल सिंह जी जो विदेश की धरती पर अपना जीवन जी करके सुख वैभव बड़े बड़े देखे, परंतु जब उन्होंने मुझे बताया कि ये सनातन की ध्वजा इसलिए उठाई है कि भारत की सनातन संस्कृति के साथ जो सुख और वैभव का आनंद है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं। जो पहचान होती है वो आपकी एक कला किस पहचान को रो आप देखते हैं कि मेरी इस कला में मेरी पहचान ज़्यादा है, किस पेंटिंग में किस कला में आपकी पहचान और स्पेशलिटी कहते हैं ना आपकी, जो स्पेशलिटी होती है वो किस में है आपकी, क्या कह सकते हैं? ये कला पारंपरिक तरीके से जो हो रही है, जो सनातन धर्म काफ़ी पुराना और ये कला भी काफ़ी हजारों साल से लोग आर्टिस्ट बना रहे हैं, तो मैं उसी शैली को काम में लेता हूँ और उसी तरीके को काम में लेता हूँ जो नेचुरल तरीके से काम करते थे। और इस पेंटिंग में मैंने गोल्ड भी लगाया है, स्टोन का भी, स्टोन कलर का भी काम किया है और बारीक से बारीक काम किया है। तो जो पारंपरिक तरीके से हो रही है वो कला लुप्त ना हो जाए, तो उसको जीत रहे और नौजवान जो आज का युद्ध समझे उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक ऐसा होता कि कोई एक्चुअली मेरे जियाजी काम करते थे तो उनसे मैंने काम सीखा और मेरे बेटे के काम में इंटरेस्टेड है तो वो सीख रही है, उसको स्टेट अवार्ड में मिला हुआ है अभी से पिछले साल का, तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड है काम में। और काफ़ी स्टूडेंट को मैं सिखा रहा हूँ, जो कि जितना मेरा मानना है कि राम नाम और कला और ज्ञान जितना बांटोगे उतना फैलेगा, तो मैं अपनी कला को विस्तार रूप देना चाहता हूँ और मैं उसमें प्रयासरत हूँ। और क्या संदेश क्या है लोगों तक कि भगवान को किस रूप में देखें, क्या है ये सनातन धर्म हमारा बरसों पुराना है, ये किसी ने बनाया नहीं है, सब ये देवताओं से निमित है। और इस सनातन धर्म को पहचाने, जिस तरह से आज अलग जगह है सनातन धर्म की, जैसे कर्नल सिंह जी है, मोदी जी है, योगी जी है, और उस तरह से आज जो अंग्रेजों ने शासन किया है, मुगलों ने शासन किया है, तो हमारा सनातन धर्म को काफ़ी दबाया गया है। तो अब सनातन की अलग जगाने के लिए उनके माँ बाप को धर्म की समझ होना चाहिए, वो सीखे। माँ बाप जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र मंदिर नहीं जाएंगे, तब तक बच्चे नहीं कर सकते। तो उसी प्रयास से मैंने बहुत सिंपल रूप में ये पेंटिंग बनाई है कि रामायण जी इतनी बड़ी कौन पढ़ेगा, तो थोड़ा सा 10 मिनट देखेंगे, सारा टाइटल लिखे हुए, तो राम जी को पहचानेंगे और उनकी आस्था देंगे।